คิดโหวังมีนางงามสวยมีนางสวยและแดงยงแล้วแดงแล้วแดงคิดโหวังแต่กูยังมีนางว่าหัวแดงแล้วก็ทำไอ้ตัวบีลีฟดิสไงพี่แกงเดี๋ยวได้ทำอัศวะसफलता का वाहन है चमत्कार है चमत्कार बोले बाबा। तो और लोंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो गए, और नहीं भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में ना तुम्हारा भाई तुम लोग कुछ अचानक भयानक भयंकर और बुराने वाले ट्रिक्स, साथ ही साथ ना कुछ हिडन प्लेसेस बताने वाला जिनकी सहायता से तुम लोग बहुत ही अपना रैंक पुश कर पाओगे। और ना इनमें से कुछ ट्रिक्स ऐसी है ना जिनको देखने के बाद ना तुम लोग पूरा पगला और बौरा जाने वाले हो। अच्छा, तो बस ना तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो माचोक दिए भैया जी आप तो। और हाँ, एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। तुम लोग ऐसी और ट्रिक्स नहीं देखना चाहते हो क्या? तो जल्दी से कर लो अब सब्सक्राइब। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग एक बाइक लेना, उसके बाद तुम लोग को आ जाना सेंटोसा की इस वाली जगह पे। फिर तुम लोग अपने बाइक को कुछ ऐसे पीछे करना इस वाली जगह पे ट्रक के पास, और उसके बाद ना तुम लोग अपने बाइक को कुछ इस वाली जगह पे ऐसे लगा देना है। और ना जैसे तुम लोग को बाइक कुछ ऐसे लग जाएगी, ऐसे तुम लोग ध्यान से देख लो, ऐसी लग जाएगी ना तुम्हारी बाइक, उसके बाद तुम लोग को गेट आउट करना। उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा पानी के अंदर आ चुके हो। और ना भाई तुम लोग जैसे यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो ऊपर वाले बंदों को। और ना यहाँ पे तुम लोग कोई देख भी नहीं पाएगा, और तुम लोग के लिए हिडन प्लेस बन जाएगा यहाँ पे। और ये ट्रिक देखने में काफी भौकाल लग रही है। और ना इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग चारों, मतलब अपने फ्रेंड जो भी तुम लोग स्क्वाड में खेल रहे हो या सोलो में खेल रहे हो, तो सोलो में खेल रहे हो तो अकेले भी आ सकते हो, और स्क्वाड खेल रहे हो तो ना चारों बंदे इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे आ सकते हो, और पूरा पानी के नीचे ना अपना रैंक पुश कर सकते हो कुछ ऐसे। तो ना तुम लोग देख ही सकते हो अपनी पहली वाली ट्रिक की काफी भौकाल है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, वैसे तुम लोग करते नहीं हो पर कर दो लाइक। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। तो मैं दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग एक जीप चाहिए, तो तुम लोग एक जीप ले लेनी है ना। उसके बाद तुम लोग फिर अपने टीममेट को बोलना जीप में कुछ ऐसे बैठ जाने के लिए, और तुम लोग फिर जीप के सामने ना कुछ ऐसे बैठ के अपना स्कोप ऑन करके ना सामने की साइड हो जाना है, और उसे बोलना है धीरे धीरे जीप को चलाने के लिए। उसके बाद तुम लोग को इमोट दिखाना है, उसके बाद देख ही सकते हो तुम लोग को क्या ही खतरनाक देखने में लग रहा है। मतलब इधर तुम लोग जो करेक्टर है वो इमोट दिखाते हुए पूरा जीप के धक्के खाते हुए आगे बढ़ रहा है कुछ ऐसे, तुम लोग देखी सकते हो ना, ये देखने में काफी भौकाल लग रहा है वाला चीज। और ना इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग अपने सारे बंदों को सॉक कर सकते हो, अपने सारे फ्रेंड्स और एनिमीज को सॉक कर सकते हो, मतलब कैसे कर रहे हो तुम लोग ये। और ना ये वाली ट्रिक तुम अगर गेम में कर रहे हो और तुम्हारे टीममेट या कोई एनिमी तो नहीं पूछ सकता, मतलब तुम्हारे टीममेट अगर पूछे ना कि ये वाला ट्रिक तुमने कहां देखा, तो तुम लोग सिंपली बोल देना कि गुरुजी नामक चैनल पे देखा ये वाला ट्रिक, और उसे बोल देना सब्सक्राइब भी करने के लिए आगे। तो अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को सिंपली इस वाली जगह पे आ जाना, अपने मार्स सिलेक्टर पे अपने मिनी लॉन्च पैड को लेकर, उसके बाद तुम लोग अपना जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगाना है, और फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है, और फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है ना साइड में, उनको दोनों को साथ में गेम में वापस आ जाना। उसके बाद देख ही सकते हो तुम लोग पूरा ना पूरा जो अपना टावर ड्रम जो भी बोलते इसके अंदर आ चुके हो। और ना यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो ना इस वाली जगह पे, तुम लोगों को कोई देख भी नहीं पाएगा। मतलब कि ना लिटरली ये वाली ट्रिक ना तुम लोगों के लिए रामबाण होने वाली है। और यहाँ पे आने के बाद ना जो नया अपना रैंक से जाना है ना, इसमें तुम लोग बहुत ही आराम से अपना हीरोइक कर सकते हो, और बहुत ही आराम से बहुत सारे किल भी कर सकते हो। और ना तुम लोग अपने स्क्वाड के अकेले बंदे बचे हो तो यहाँ पे आकर अपना रैंक पुश कर सकते हो, अपने स्क्वाड का भी प्लस करा सकते हो, और तुम्हारी स्क्वाड जिंदा है तो तुम लोग चारों बंदे ना इसी के अंदर भी आ सकते हो। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपने चारों बंदे रैंक पुश कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो। वाओ, तुम लोग चौथे नंबर वाली ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक गाड़ी लेनी है जीप, उसके बाद तुम लोग आ जाना अपने केप टाउन पे, और केप टाउन पे आने के बाद ना तुम लोग जो जीप पे तुम लोग कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगा देना है, और जैसे तुम्हारी जीप ऐसे कुछ लग जाएगी ना तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना है, और जैसे तुम्हारा डाटा ऑफ होगा तुम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को निकालना है और आगे चलाते ही जाना है। मतलब कि ना तुम लोग अपनी गाड़ी को कुछ यहाँ से निकालना है ऐसे, उसके बाद तुम लोग सीधे चलाते ही जाना चलाते ही जाना चलाते ही जाना, और जैसे ही ना तुम लोग इस वाली जगह पे पहुंच जाओगे मतलब पीक की इस वाली जगह पे पहुंच जाओगे, और फिर तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर देना है। और ना जैसे ही तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर दोगे ना, फिर भी तुम लोग अपनी गाड़ी को चलाते ही जाना आगे, और पता नहीं कहां तक चलाना है, मतलब चलाते ही जाना है। और जैसे ही तुम लोग का पिंग पूरा नॉर्मल होने वाला होगा ना, तुम लोग को कुछ ऐसा नजारा देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि ना तुम लोग देख सकते हो तुम्हारी गाड़ी ना एक झटके से पूरा बाहर निकल जा रही है घर के, मतलब ना घर के अंदर भी रह सकती है, अगर तुम लोग स्लो करोगे तो घर के अंदर भी तुम्हारी गाड़ी रह सकती है, और तुम लोग फास्ट करोगे ना तो तुम्हारी गाड़ी कुछ ऐसे पूरा बाहर निकल जाने वाली है। बोले बाबा। तो अपनी लास्ट वाली ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग आते हैं अपने आइसलैंड पे, जो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड का आइसलैंड होता है ना, तुम लोग को यहाँ पे आ जाना है। फिर तुम्हारा जो सर्वबोर्ड होता है ना यहाँ पे, उस पर क्लिक करके तुम लोग सर्वबोर्ड पे आ जाना है, और जैसे तुम लोग सर्वबोर्ड पे आ जाओ ना, तुम लोग करना है अपने डाटा को ऑफ कर देना है, और जैसे तुम्हारा पिंग 99 प्लस हो जाए ना, तुम लोग अपने सर्वबोर्ड को कुछ आगे बढ़ा के ऐसे दो बार जंप करना है। उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा पानी में ना मतलब तैर नहीं रहे हो, मतलब तुम्हारा सर्वबोर्ड तैर नहीं रहा है, तुम लोग मतलब पानी के नीचे चल रहे हो तो कुछ ऐसे।
मतलब कि ना ये देखने में काफी भौकाल लग रहा है, तुम लोग देख ही सकते हो ना यहाँ पे, मतलब क्या ही देखने के लिए लग रहा है वाला ट्रिक ना। तुम लोग पूरा पानी के अंदर कुछ ऐसे चल रहे हो, मतलब पानी में कोई मगरमच्छ जैसे चलता है ना वैसे तुम लोग चल रहे हो, तो ये देखने में ना काफी भौकाल और भयंकर लग रहा है वाला ट्रिक। मतलब कि देखने में ना ये वाला ट्रिक काफी खतरनाक लग रही है। इस वाले ट्रिक को ना अपने फ्रेंड्स को भी तुम लोग बताओगे तो भी हैरान हो जाने वाले कि मतलब क्या ही कर लिया उन लोगों ने। तो बस अभी की इस वीडियो में बस इतना, इन पांचों ट्रिक्स में से ना तुम लोगों को सबसे अच्छी कौन सी ट्रिक लगी ना कमेंट में जरूर बताना। और ना ऐसी तुम लोग और अमेजिंग और भयंकर वाले ट्रिक्स देखना चाहते हो ना तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स डेली देखने के लिए। अरे सबसे पहले करते हैं रुको। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।